और मित्रों, जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा संसद में पहला बार फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली लेके आया फाइनेंस बिल में, दो साल पहले मैं उसको उसके खिलाफ में बोला। उस समय ये पार्टी का स्टैंड स्पष्ट नहीं था, बट मेरा स्टैंड स्पष्ट था। मैं बोला ये तो सिर्फ जो बोल रहे थे ये ट्रांसपेरेंसी के लिए एक नया संशोधन ले रहा है, ले आ रहे हैं। मैं बोला इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें पारदर्शिता कुछ नहीं है इसमें, और ये तीन इश्यूज है इस पे जिस पर ये फेल हो जाता है। ये तीन क्या है? पहले, हमारा राजनीति में, हमारे लोकतंत्र में कंपटीशन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, मीनिंग सबको एक ही तरह के मौका मिलना चाहिए। पर इस इलेक्ट्रल बॉन्ड से सिर्फ रूलिंग पार्टी जो है, बीजेपी जो है, उसको बहुत एडवांटेज मिल रहा है। कैसे मिल रहा है सोचिए। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद सकते हैं, और जो उसको खरीद सकते हैं उसको अनोनिमस, मीनिंग हम सबको नहीं पता चलेगा कि कौन खरीद लिया और किसको दे रहा है। ओके, सो ऐसे पर सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, सरकार को चाहिए तो एक फोन कॉल डाल सकते हैं मैनेजर को और पूछ सकते हैं कौन खरीद लिया। ओके, और किसको दिया, इसमें नंबर्स भी है, बॉन्ड्स का नंबर्स भी है। सर कौन किसका खाते में चले गया वो भी सरकार को पता चल सकता है। सो इसलिए सिर्फ सरकार को पता चलेगा, हम सबको नहीं पता चलेगा। और इसमें इसके कारण सरकार उन सब पूंजीपति को दबाव दे सकते हैं। अगर दूसरों को देते तो हम आप पर इंटेलिजेंस ब्यूरो CBI उसको डालेंगे आपके ऊपर। ओके, ऐसे कर सकते हैं। सो परिणाम क्या हुआ? 95-99% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद गए और डोनेट हो गए सिर्फ रूलिंग पार्टी को गए। और निखिल सेठ भी बात कर रहे थे, हम नागरिक है, हम वोटर्स है, हमको पता चलना पड़ेगा कौन किसको क्या दे रहा है और इस देने के बाद उसको क्या मिल रहा है। क्या क्या हमारे सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अंबानी अदानी किसको बेच रहा है और वो कितना पैसा दिया है, हम सबको पता नहीं चलता ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम से। पर हमको वो उसको पता चलना बहुत बहुत जरूरत है और हमको नहीं मिल रहा है वो सूचना। और तीसरा ये है कि ये सब लोग जेटली जी बोल रहे थे ये ब्लैक मनी नहीं होगा, ये बैंक अकाउंट से चल जाएगा। आप सबको नोटबंदी के समय में पता याद होगा कि उस समय हम सब लाइन में खड़े हुए थे, जिसके पास बहुत ब्लैक मनी थे वो पीछे दरवाजे से बैंक मैनेजर के साथ बात करके सब ब्लैक को व्हाइट कर दिया, राइट? सो ये तो बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग एक्सरसाइज है। और इसी ऑब्जेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस स्कीम के विरुद्ध में ये ऑब्जेक्शन दिए थे। और हमको कैसे पता चला? RTI एक्टिविस्ट लोकेश बात्रा, आई थिंक ही इज द वन हू फाइल्ड दिस एप्लीकेशन। और उसके बाद हम कुछ पता चला, इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके खिलाफ है, पर सरकार बोला उन सबको क्यों, अभी कंसल्टेशन भी नहीं किया सिंसियरली, और पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा, उसके ऊपर हम करप्शन चार्ज नहीं डाल सकते क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है कौन दिया है बीजेपी को, और इस कारण के लिए वो ऐसा प्रोग्राम रख लिया। अगर हमारे UPA समय के RTI नहीं थे
तो हमको ये भी नहीं पता चलता कि ये क्या 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 हो रहा है, ये डिसीजन मेकिंग कैसा था, और आरबीआई और इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध जाके ये सरकार क्या किया। ओके, सो हम पार्टी की तरफ से अभी जो मेरा पोजीशन था, अभी पार्टी का पोजीशन भी है, ऑफिशियल पोजीशन, और इन ये सब जो हमारा नितिन सेठी के आर्टिकल शुरू होने के समय पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया और तीन चार डिमांड रख लिया मैंने, और वो तो था इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को अबॉलिश करना है, बंद करना है, और जो पैसे दिए उनका नाम पब्लिक में, यू हैव टू मेक इट पब्लिक, वो भी मेरा डिमांड है और पार्टी का डिमांड है, और तीसरा कि ये सरकार में जो ऑफिशियल्स ये आरबीआई और इलेक्शन कमीशन के के विरुद्ध जो काम किए उनके ऊपर जांच भी होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। पर सरकार इसको नहीं मान रहा है और ये बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए और देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं, हम इकट्ठे काम करेंगे। पर अंजलि जी, इलेक्शंस और उसमें जितना पैसा खर्च होता है उसके बारे में बोल रही थी, मैं एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से आता हूँ, स्वतंत्र संग्राम में मेरे पिताजी अंकल सब जेल गए थे और उसके बाद राजनीति में शामिल हुए थे। मेरे अंकल 6 बार लोकसभा में चुनावित थे और नेहरू जी के काल में यूनियन मिनिस्टर भी थे, और कर्नाटक में जैसे कुरियन गुजरात में किए हैं, कर्नाटक फाउंडर ऑफ द डेयरी मूवमेंट, और मेरा फादर असेंबली स्पीकर थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन थे कर्नाटक राज्य में। बट 2004 जब मुझको सोनिया गांधी जी टिकट देने के लिए तयार थे, हमारे लोकल उस समय चीफ मिनिस्टर सब लोग वो बोलने शुरू किए कि ये परिवार 45-47 ईयर्स से राजनीति में है, पैसे नहीं कमाए और इसलिए इसको लड़ने का शक्ति नहीं है, तो टिकट नहीं दिया। 10 साल के बाद जब पार्टी का हालत बहुत मुश्किल था, उस समय मुझको मुफ्त में बोल रहा हूँ राज्यसभा सीट मिल गया। राज्यसभा में भी मेडिकल कॉलेज, हमारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता है ना, उसमें एक मेरिट एडमिशन होता है और एक पेमेंट एडमिशन होता है, राज्यसभा में भी ऐसा ही है, आपको मेरिट एडमिशन मिल गया, बट 10 साल के बाद मिल गया। तो ऐसे हो गया है वातावरण कि जब पार्टी टिकट देते हैं तो देखते हैं कौन बड़ा पैसा वाला है, और भी डिस्क्रिप्शंस है, मैं नहीं बोलूंगा, बट यू नो हु इज द बिगर, यू नो हाउ दे मेड द मनी यू नॉट आस्क, बट हु हैज द कैपेसिटी इज जनरली व्हाट दे आस्क। सो दिस इज, आई मीन वी आर लाफिंग अबाउट दिस, आंसर है, बट ये रोने का बात है, क्योंकि जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हमारा संसद बनाए, हम हमारे पूर्वजन ऐसे नहीं सोचते थे कि ऐसा हालत देश में आएगा, कि वो सब बहुत सरल जीवन लोग थे जो स्वतंत्र संग्राम में शामिल थे। तो ये हम अनेक तरह के सुझाव दे रहे हैं, मैं पब्लिक फंडिंग या स्टेट फंडिंग के बारे में लिखा हूँ और इसके बारे में कहाँ चर्चा भी कर रहा हूँ, क्योंकि साधारण लोग को भी राजनीति में, चुनाव में भाग लेने के लिए अवसर होना चाहिए, और आज के जो मनी पावर है उसको दूर करने के लिए और भी उपाय हमको लेकर आना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आरटीआई रूल्स के बारे में, आरटीआई हम संसद में इसके बारे में बात किए हैं, देखेंगे कि हमारे नॉट थ्रू दिस, मे बी थ्रू सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन समथिंग लाइक दैट, क्या कर सकते हैं देखेंगे। पर सरकार के साथ बहुमत है और इस बहुमत के साथ हम सबको क्रश कर रहे हैं। हमारे दोस्त अशेक साहब कश्मीर से आए हैं, हैप्पी टू सी यू,
not under arrest there, but free, like the rest of us in India, for how long we do not know. Anyway, so that is the situation. Anyway, hum sab ikatte ladenge aur jeetenge bhi. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गौड़ा. मैं फिर यही बात कहूंगी.